बरसात के मौसम में आज के वीडियो की कहानी ही कुछ ऐसी है। तन्हाई के आलम में जो कहानी अपने आप में अनूठी है, इसलिए सहसा बहुत कम लोगों को विश्वास हो पाएगा कि एक गायक कलाकार का करियर इस तरह से भी स्टार्ट हो सकता है। मेरे नैना किशोर दा ने जब ये गीत गाया होगा तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके इस गीत को एक प्रश्न पत्र की तरह नौकरी मांगने आए हुए नवोदित गायक कलाकार के सामने रखा जाएगा। फिर भी मेरा मन प्यार कि अगर तुमने इस गीत को गा दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। नहीं भूले। उस गायक कलाकार ने किशोर दा को एक गुरु की भांति अपने मन में नमस्कार किया और इस गीत का श्री गणेश किया। और दोस्तों, देखते ही देखते जब इस गायक ने इस गीत को गाना शुरू किया लेकिन वो मंच एक होटल का प्लेटफॉर्म था जहां लोग खा पी रहे थे और उस रेस्तरा का ये मंच मात्र अपने ग्राहकों के मनोरंजन के लिए था। मेरे लेकिन जब इस गायक कलाकार ने यह गीत गाया तो उस दिन उस रेस्तरा के टिप्स में करीब 14,000 रुपए आए। रेस्तरा का मालिक खुश हो गया और उसने उस गायक कलाकार को नौकरी पर रख लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस गायक कलाकार की जिसने हिंदी सिनेमा के संगीत के पार्श्व गायन में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है और उस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस पार्श्व गायक की जिसने हिंदी सिनेमा के रोमांटिज्म को अपनी सुरीली आवाज से एक नई ऊंचाई प्रदान की। जिसको दुनिया हिसाब कहती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उसी पार्श्व गायक की जिसके 8 गानों का एक एल्बम सुनकर महेश भट्ट जैसे नामचीन निर्देशक ने सुपर कैसेट इंडस्ट्री टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के टेबल पर एक ब्लाइंड गेम खेल दिया कि ये गाना आप मुझे दे दो, मैं इस गाने को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा और ये फिल्म अगर नहीं चली तो मैं आज के बाद निर्देशन करना छोड़ दूंगा। निर्देशक महेश भट्ट के आंखों में कमाल का आत्मविश्वास देखकर गुलशन कुमार ने वो 8 गाना उन्हें दे दिया और ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ। गानों के मूड के अनुसार सिचुएशन बनाए गए और सिचुएशन बनाते बनाते एक फिल्म की कहानी गढ़ी गई और वो फिल्म जब रिलीज हुई तो हिंदी सिनेमा के इतिहास में उसने न जाने कितने कीर्तिमान बनाए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज गायक कुमार शानू की। से मिले दिल में उठा दर्द करारा, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अचानक ये गायक कलाकार हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन से दूर होता चला गया। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। और इतनी दूर चला गया
जो आज भी हिंदी सिनेमा के संगीत प्रेमी उन्हीं के गीत से उन्हें याद करते हैं और अपने दिल की बात कहते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा लम्हा तो सिर्फ तुमसे प्यार, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे। लेकिन ये दिल ही तो है, आज भी हिंदी सिनेमा का संगीत प्रेमी इस बात को पचा नहीं पाता है कि वो हिंदी सिनेमा के पार्श्व गायन से दूर हो गए हैं। साथ में पी लेने दो, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। जानेंगे कुमार शानू की जिंदगी से जुड़ी उन तमाम बातों को और इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुमार शानू हिंदी सिनेमा के संगीत से लगातार दूर होते चले गए। फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शन में आखिर कुमार शानू ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे फिल्म फेयर के जूरी मेंबर नाराज हो गए। सीख ले तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। जानेंगे कुमार शानू की जिंदगी से जुड़ी उन तमाम बातों को और इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुमार शानू हिंदी सिनेमा के संगीत से लगातार दूर होते चले गए। फिल्म फेयर के अवार्ड फंक्शन में आखिर कुमार शानू ने ऐसी क्या बात कह दी जिससे फिल्म फेयर के जूरी मेंबर नाराज हो गए। कुमार शानू के जिंदगी में वो कौन सा फरिश्ता था जिसने केदार भट्टाचार्य को कुमार शानू बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। केदारनाथ भट्टाचार्य उर्फ कुमार शानू हिंदी सिनेमा का एक ऐसा गायक जिसने 90 के दशक में पार्श्व गायन में एक छत्र राज कायम किया। दिल का आलम मैं क्या बताऊं। 20 अक्टूबर 1957 कोलकाता में जन्मे केदारनाथ भट्टाचार्य का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत का बहुत ही खूबसूरत माहौल था। कुमार शानू के बचपन के बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं फिल्म आशिकी के लिए कुमार शानू ने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जीता। कुमार शानू ने फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार के जीतने का सिलसिला एक कंटिन्यूटी की तरह मेंटेन किया। 1992 में साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। 1993 में दीवाना, सोचेंगे तुम्हें प्यार। 1994 में बाजीगर, ये काली काली आँखें। और 1995 में फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार फिल्म फेयर की तरफ से दिया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुमार शानू ने उसी मंच से पुरस्कार लेकर एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं चाहूंगा कि अगले साल इस सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार किसी और को दिया जाए। कुमार शानू की ये बात मीडिया में बहुत ही सुर्खियां बटोरी, लेकिन सिर्फ सुर्खियों से क्या होता है। फिल्म फेयर के जूरी मेंबर्स को लगा कि कुमार शानू को शायद फिल्म फेयर के अवार्ड की अब जरूरत नहीं है। कुमार शानू के इस बात का जवाब फिल्म फेयर के जूरी मेंबर्स ने अगले ही साल दे दिया। 1995 में फिल्म आई थी दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे, उस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे और इसी फिल्म का एक गाना कुमार शानू के द्वारा गाया हुआ बेहद लोकप्रिय हुआ था, लेकिन कुमार शानू को ये अवार्ड नहीं दिया गया। इसी फिल्म के दूसरे गाने के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया गया और वो गाना था मेहंदी लगा के रखना
डोली सजा के रखना। और इस तरह कुमार शानू की जिंदगी से फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दूर हो गया। जिसको दुनिया हिसाब कहती है। कुमार शानू के जिंदगी में बात की बिगड़ने की शुरुआत लगभग यहीं से शुरू हो गई। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। बात करें कुमार शानू के व्यक्तिगत जीवन की तो इनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखा गया। कभी कुछ खोया। कुमार शानू ने 2 शादियां की हैं। कभी कुछ पाया। लेकिन इसके अलावा भी कुमार शानू का नाम 2 चर्चित अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो 4 थी। जीवन के इन्हीं समीकरणों को सुलझाते सुलझाते कुमार शानू इतने उलझ गए कि उनका ध्यान करियर पर कम होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि कुमार शानू हिंदी सिनेमा के संगीत से लगभग दूर हो गए। कुमार शानू के प्रेम प्रसंगों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चित रिश्ता मीनाक्षी शेषाद्री के साथ हुई। जब पालिया खुश हो गए। जिसकी शुरुआत फिल्म जुर्म के गाने के साथ हुई। इस फिल्म में कुमार शानू ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई कभी कभी लगता है कि नियति आपको एक संकेत देती है। दोस्तों इस फिल्म का नाम था जुर्म। कुमार शानू के व्यक्तिगत जुर्म की शुरुआत फिल्म जुर्म से ही शुरू होती है। दोस्तों इस फिल्म का ये गाना जब कोई बात बिगड़ जाए ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। लेकिन किसे मालूम था कि कुमार शानू जब इस बात को गा रहे थे तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन की बात ही इतनी बिगाड़ लेंगे कि सब उनसे इतने दूर चले जाएंगे, कोई आवाज भी देगा तो सुनाई नहीं देगा। एक के बाद एक लगातार सुपरहिट्स गाने वाले कुमार शानू फिल्म जुर्म के एक पार्टी में जब पहली बार उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री को देखा, पहली ही मुलाकात में मीनाक्षी को दिल दे बैठे। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें। जो पहले ही 7 फेरे ले चुके थे, जिंदगी निभाने की कस्में किसी और के साथ खा चुके थे। इसके बाद जो हुआ मीडिया में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुमार शानू और मीनाक्षी शेषाद्री का प्यार कुमार शानू की तरफ से एक तरफा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि मीनाक्षी और कुमार शानू का प्यार 2 तरफा था। लेकिन दोस्तों इस संबंध का अंजाम जो हुआ उसने कई लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक ओर जहां कुमार शानू की पत्नी से उनका तलाक हो गया तो दूसरी ओर मीनाक्षी शेषाद्री अपने करियर के टॉप पर होते हुए भी अपने करियर को अलविदा कर शादी करके US चली गईं। कहते हैं प्यार पर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन क्या प्यार के नाम पे सब कुछ जायज है? एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर, शायद नहीं। दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन इसके चलते किसी का घर उजड़ जाए वो किसी भी तरह से सही नहीं है। मर मर के जीने में कैसा मजा। कुमार शानू के मामले में चाहे प्यार एक तरफा हो या 2 तरफा, लेकिन इस प्यार की भारी कीमत जिसने चुकाई वो कुमार शानू की पत्नी थी। कुमार शानू की पत्नी की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं के हिस्से में आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यक्ति इंसान होने के नाते किसी व्यक्ति से आकर्षित हो सकता है, लेकिन उस आकर्षण को बढ़ावा देना है या नहीं इसका फैसला भावनाओं के आवेश में आकर कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुमार शानू ने किया। अगर भावनाओं को हावी होने देकर फैसला किया जाए तो अपनी भावनाओं की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुमार शानू ने ये दोनों काम किया। इसी खोने पाने का नाम जिंदगी है।
मीडिया की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार मीनाक्षी शेषाद्री और कुमार शानू का लगभग 3 सालों का गहरा रिश्ता था, जो अंत में मीनाक्षी के करियर को छोड़ देने की वजह बना। तो दोस्तों, ये सबके लिए सबक है। इस तरह के रिश्ते न समाज स्वीकार करता है और न ही आपके अपने इस रिश्ते का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, वो बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी दोबारा मौका देती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दूसरा मौका सबको मिले। किसी भी शादीशुदा इंसान के साथ रिश्ते में आना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये रिश्ता दो लोगों पर ही नहीं बल्कि कई जिंदगियों पर असर डालता है। और इस रिश्ते से जिंदगी खुशियों के ट्रैक पर चलती रहेगी या नहीं, इसे लेकर सिर्फ चांस ही लिया जा सकता है। और यही चांस कुमार शानू ने भी लिया था। जिस तरह कुमार शानू ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा शक्ति की वजह से सफलता की वो ऊंचाई छुई, लेकिन सफलता की चोटी पर पहुंचकर अपनी भावनाओं को काबू में न रख सके और भावनाओं की फिसलन में लगातार फिसलते चले गए। कुमार शानू की जिंदगी में गजल सम्राट जगजीत सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिल्म आशिकी के पहले कुमार शानू किशोर कुमार के गाने उनकी आवाज में गाया करते थे और इसके लिए वो लगातार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि उसी दौरान एक स्टूडियो में उनकी मुलाकात जगजीत सिंह साहब से हुई। हुआ यूं कि जगजीत सिंह उसी स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड किया करते थे। अचानक एक दिन जगजीत सिंह के कानों में कुमार शानू की आवाज पड़ी। वो उस आवाज से बेहद प्रभावित हुए। कुमार शानू की आवाज से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुमार शानू को अपने घर बुलाया और उनकी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी भाई से करवा दी, जिसके बाद उस दौर के जितने भी संगीतकार थे वो कुमार शानू की आवाज के जादू से बच ना सके। जगजीत सिंह साहब ने कुमार शानू को एक दूसरा जन्म दिया। जगजीत सिंह के इस हुनर को पहचानने की कला को सलाम है। इसके इतर दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद कुमार शानू ने एक फिल्म में गाना गाया जो फिल्म यशराज की थी। फिल्म का नाम था दम लगा के हैसा। कुमार शानू की आवाज को रिस्पेक्ट देते हुए यशराज ने पहली बार अपने लोगों के साथ लता जी की आवाज को रिप्लेस कर कुमार शानू की आवाज में अपने लोगों का फिल्म से पहले प्रदर्शन किया। ये बहुत बड़ी बात थी एक कलाकार के लिए। जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। कुमार शानू की वो आवाज जो हिंदी सिनेमा के संगीत में एक युग था, उस युग का इंतजार आज भी कर रहे हैं। प्रणाम। आपकी फरमाइशें और आपके फीडबैक हमें लगातार मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।